Hi, this is Stephen Gogoe from Alice Blue. So today we'll discuss about the crude oil and the pivot point support and resistance and the market range and market trend. So this is a risk disclosure statement. So once you read, so we'll start. तो ये देख सकते हैं आप क्रूड ऑयल है, तो आज क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 4441, फर्स्ट रेजिस्टेंट 4478, second resistance 4525, third resistance 4562, first support 4394, second support 4357, and the third 4310. So यहाँ पे आप देख सकते हैं crude oil continuously price falling down, alright. तो अगर weekly देखें तो market जो अप ट्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेंज मैंने ट्रेंड लाइन डाला था 3 पॉइंट कनेक्ट करके 3, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, तो साथ में एक 220 मूविंग एवरेज था, उसको ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होके मार्केट नीचे आ रहा है। तो हमें अभी नेक्स्ट सपोर्टिंग जोन मिला हुआ है हमें अराउंड 4181 में। अगर हम डेली में देखें तो डेली में आप देख सकते हैं मार्केट जो 200 मूविंग एवरेज था उसको ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करके वो मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा हमें कन्फर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है क्रूड ऑयल में। तो आप देख सकते हैं 4 आवर में अगर हम उसको देखें तो लोअर लो बना के अभी कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा है। जो ये जो वीकली एक रेंज था हमें मिला था, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो नेक्स्ट लेवल हमें मिला 4181 में, तो सपोर्टिंग रेंज मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर 1 आवर में देखें, मार्केट 1 आवर में फुल्ली परफेक्टली आपको दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे आप एक बात कंफर्म कर लेना चाहिए जब ट्रेडिंग मतलब एंटर होने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये अभी 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज उसका सपोर्टिंग रेंज सॉरी रेजिस्टेंस लाइन बन के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फिर से पुल बैक होकर फिर से मार्केट आने का चांसेस है, तो इसलिए थोड़ा बहुत रुक के आपको थोड़ा रिटेस्टमेंट करने के लिए देना चाहिए। तो मार्केट जब रिटेस्टमेंट करके फिर से डाउन सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई इंडिकेटर से हमें सेल सिग्नल देंगे तो हम सेल में जा सकता है यहाँ पे। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए तो मार्केट कंटिन्यूसली आ रहा है, जो लोअर लो था उसका आसपास है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिटेस्टमेंट दे सकता है मार्केट, ठीक है। परफेक्टली ये मूविंग एवरेज परफेक्टली हमें सेल सिग्नल दे रहा है, तो अभी हमें थोड़ा रिटेस्टमेंट करने के लिए देना चाहिए मार्केट। तो यहाँ पे सीचे थोड़ा ऊपर जाके फिर से 0 लेवल क्रॉस करने का कोशिश करेगा तो वहाँ पर सेल जा सकता है, राइट। तो ये अगर 5 मिनट में देखें प्राइस ओवर सोल जोन में है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिटेस्टमेंट देना चाहिए, तो रिटेस्टमेंट एरिया में आपको सेल करना चाहिए। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।